हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट एंड हेल्दी किचन विद सीमा जायसवाल। दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है दही भल्ले की, जो कि होली के आसपास ज़रूर खाए जाते हैं, क्योंकि मौसम चेंज होता है और उस समय लगता है कि ठंडे ठंडे भल्ले मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मैं भी होली के लिए दही भल्ले बनाने जा रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से दही भल्ले बना के खाइएगा। आइए बनाने चलते हैं दही भल्ले। दही भल्ले बनाने के लिए मैंने ली है उड़द की धुली दाल। उड़द की धुली दाल जो आती है इस तरह की दाल, और इसे मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। ये है मेरी ओवरनाइट सोक करी हुई दाल। ये मेरी दाल फूल गई है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से सोक करने के बाद मैंने इसे सुबह वॉश करा है, 5-7 पानी से वॉश कर लिया ताकि इसकी इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। अब मैं इसको मिक्सी में डाल के पहले पीस लूँगी। दाल वैसे ही पिस जाएगी क्योंकि इस दाल के अंदर काफ़ी पानी दाल अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, और अगर आपको लगता है कि दाल पिसने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चम्मच से हिलाते हुए हम इस दाल को बारीक पीस लेंगे। दाल मेरी आधी पिस चुकी है, थोड़ी सी कसर बाकी है। इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। आधी चम्मच नमक डालेंगे ताकि हमारे भल्ले जो हैं अंदर से भी नमकीन टेस्ट दें, फीके फीके भल्ले ना बने। मैंने अपनी पिसी हुई दाल को अपने एक पतीले में निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच साबुत जीरा, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच के करीब ही बेकिंग पाउडर। ये बहुत है, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, और ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो डाल लीजिए, अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस दही भल्ले बनाने के लिए आपको जो करना है, इसको विस्क की हेल्प से या किसी चम्मच की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से हमें इस बैटर को फेंटना है। जितना अच्छा हमारा बैटर फिटा हुआ होगा उतने ही बढ़िया हमारे भल्ले बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये जो बैटर है इसके अंदर हमें हवा भरनी होती है और इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। इसको वापस रिटर्न नहीं घुमाना, इसको इसी तरह से घुमाना है। खूब अच्छी तरह से इसे हम 5-7 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह से इसे हम फेंटेंगे। बैटर को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है 5-10 मिनट के लिए। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। लेकिन अगर हमारा बैटर, हमें ये जानना है कि हमारा बैटर ठीक है या नहीं है, उसकी पहचान ये है कि हम हल्का सा पानी का हाथ लगाएंगे और इसको अपने ऐसे हाथ में लेंगे और इसको हम पानी के अंदर इस तरह से गिराएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल भी फैल नहीं रहा है, ये पानी में एक जगह इकट्ठा है। तो इट मीन्स हमारा बैटर जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया बन चुका है दही भल्लों के लिए। अगर ये पानी में फैल जाता तो हमें इसे और फेंटना होता। हमें इसे इसी कंसिस्टेंसी में रखना है, हमें इसे ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला करना है। हम हाथ में उठाएं तो हमारे हाथ में इजीली आ जाना चाहिए, इस तरह से छूटना चाहिए। तो इट मीन्स हमारा बैटर जो है बिल्कुल बढ़िया बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन मैं इसको अभी आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी, तब मैं बनाऊंगी अपने भल्ले। मेरे बैटर को रखे हुए, ये जो उड़द की दाल का बैटर है इसको रखे हुए आधा पौना घंटा हो चुका है। हमारा बैटर सेट हो चुका है, अब मैं इसके भल्ले बनाऊंगी। मैंने गैस को कढ़ाई पे चढ़ा दिया है, ऑयल डाल दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं भल्ले कैसे बनाती हूँ। दोस्तों, ये मेरा बैटर है जिसके मैं भल्ले बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी में पानी लिया है और एक बड़े पात्र में पानी लिया है जिसमें मैं भल्लों को डिप करूँगी। पहले मैं अपने हाथ में इस तरह से पानी लगाऊंगी और फिर साइड से इस तरह से हम भल्लों को निकालेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हाथ से संभालेंगे, और अगर आपसे पानी से हाथ से ना संभले तो आप हल्का सा तेल भी लगा सकते हैं, और बड़े प्यार से हम इस तरह से छोड़ देंगे। अब देख रहे होंगे कि मेरे हाथ से ये जो बैटर है अपने आप ही फिसल के कढ़ाई में ऑयल में गिर रहा है। इसी तरह का भल्ले का बैटर होना चाहिए जो अपने आप फिसल के हाथ से कढ़ाई में गिर जाए।
हल्का सा मैं पानी का हाथ लगाती हूँ, फिर बैटर को अपने हाथ में लेके ऐसे कढ़ाई में छोड़ रही हूँ। अब हमने अभी मेरी हाई फ्लेम पे ये है गैस, अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी। हमने मीडियम फ्लेम पे अपने भल्लों को फ्राई करना है। इन्हें हम पलट लेंगे। दही भल्लों को कभी भी गैस से जैसे हम कढ़ाई में फ्राई करते हैं तुरंत निकाल के हमें पानी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो कुक हो रहे होते हैं, वो बहुत तेज ऑयल के अंदर फ्राई होकर बाहर निकलते हैं, तो उसका कुकिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। उसको कम से कम 2-3 मिनट के बाद हमें पानी में डालना चाहिए। मेरे को भी 5 मिनट हो गए हैं भल्लों को निकाले हुए कढ़ाई से। अब मैं इसे पानी में सोक कर रही हूँ, और मैं इसे नॉर्मल पानी में ही सोक कर रही हूँ, मैं इसे गर्म पानी में सोक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो दही भल्ले हैं वो गर्म ही हैं, ठंडे नहीं हैं, और ये पानी में डालने के बाद हमारा पानी अपने आप ही गर्म हो जाएगा। इसको हम रखेंगे 10-15 मिनट के लिए, इसमें सोक करके छोड़ देंगे और ये फिर नरम हो जाएंगे। अगर हम भल्लों को डायरेक्ट कढ़ाई से निकाल के पानी में डालते हैं तो भल्ले जो है पिस जाते हैं, बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, उसका जो मतलब मैश हो जाते हैं वो, इसलिए हमें थोड़ा सा ठंडा करके इसे पानी में डालना चाहिए। मैंने ये दही लिया है, ये मेरा आधा किलो दही है, इसे मैं विस्क की हेल्प से पहले फेंट लूँगी। चाहो तो आप इसे छन्नी में से छान सकते हो, फेंट के छन्नी में से छान सकते हो, चाहो तो आप इसे कपड़े में से छान सकते हो, लेकिन विस्क से जो है वो दही बहुत अच्छा फिट जाता है, हमें किसी और चीज़ से इसको छानने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मैं दही मेरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसमें मैं थोड़ा सा मिला रही हूँ दूध, पानी बिल्कुल नहीं मिलाएंगे हम, दूध को ऐसे डालते हुए इसको हम विस्क की हेल्प से फेंटते रहेंगे। दही हमारा ऐसा होना चाहिए, आप देख रहे हैं कैसे फ्लोइंग से गिर रहा है और गाढ़ा भी है हमारा दही। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें शुगर पिसी हुई डाल रही हूँ मैं, आप इसमें बूरा भी डाल सकते हैं। इसमें 2 चम्मच भर भर के मैंने शुगर डाली है, 1 चम्मच मैं नमक डालूंगी इसमें, 1 चम्मच जीरा पाउडर, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसे हम मिला लेंगे। दोस्तों मैं ये बना रही हूँ शादी में, जैसे दही बल्ले आपके सामने परोसे जाते हैं शादी में, खूब बड़े बाउल के अंदर दही बल्ले रखे होते हैं, मैं उस तरह के दही बल्ले बना रही हूँ। ये हमारी दही रेडी हो गई है हमारे भल्लों के लिए। ये मेरे पानी में सोक करे हुए भल्ले हैं, इनको बड़े नरम हाथों से मैंने निचोड़ना है, पानी को निकालना है, लेकिन पूरा पानी मैं नहीं निकालूंगी, नहीं तो ये मेरा भल्ला पिचक जाएगा और ये फिर बाद में सुकड़ जाएगा। हल्का सा पानी हम इसके अंदर रहने देंगे और इस तरह से हम इसको अपनी दही के अंदर डाल देंगे। बहुत प्यार से हमने इसको निकालना है पानी को। इस तरह से बिल्कुल नरम हाथों से मैंने इसको निचोड़ा है, बिल्कुल दबा के नहीं निचोड़ा है, नहीं तो पूरा पानी निकल जाएगा, हमारा भल्ला सूख जाएगा अंदर से, फिर उसको खाने का मज़ा नहीं आएगा। पानी इसके अंदर होगा तो जो दही है वो हमारे भल्ले के अंदर ऑब्जर्व होती जाएगी और भल्ला हमारा और भी नरम होता चला जाएगा। दोस्तों ये तो मैं भल्ले दही में डाल रही हूँ, ये भल्ले 10 से 15 दिन तक बड़े आराम से फ्रिज में चल जाते हैं, और अगर आपका और भी लॉन्ग टाइम खाने हैं तो ये जो भल्ला मैं निचोड़ रही हूँ इसको इसी तरह से आपको निचोड़ लेना है। हल्का पानी इसके अंदर हम रहने देंगे और इसको हम अपने फ्रीज़र में रख लेंगे, फ्रीज़र में 20 से 25 दिन रुक जाएंगे। और भी अगर आप इसको महीने भर खाना चाहते हैं तो हम दही भल्लों को फ्राई करके फ्रीज़र में लगा देंगे, और जब भी हमें खाना होगा तो उसको गर्म पानी में हम सोक करेंगे और फिर उसको इसी तरह से निचोड़ के हम दही के अंदर सोक करेंगे।
मैंने भल्लों को अपनी दही के साथ मिक्स कर दिया है। अब मैं इसकी आपको बताऊंगी कि इसकी प्लेटिंग कैसे करते हैं। अब मैं अपने दही भल्लों की प्लेटिंग कर रही हूँ। मैं डाल रही हूँ अपने मसाले। सबसे पहले मैंने डाला है काला नमक। आपको ध्यान रखना है कि आपने भल्लों में भी हल्का सा मसाला हमने डाला था, नमक डाला था, हल्का सा मैंने काला नमक डाला है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, इसमें मैं डाल रही हूँ ऊपर से खजूर इमली की चटनी, मेरी चटनी बहुत गाढ़ी है, दही, क्योंकि दही भल्ले के अंदर दही ही मेन काम करती है और दही का बहुत ज़्यादा स्वाद आता है इसके साथ, केला। दही भल्ले के अंदर फ्रूट होता है ना, तो दही भल्ले का मज़ा और भी बढ़ जाता है। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाल रही हूँ मैं, अंगूर। दोस्तों ये आपके पास मौजूद हो तो आप ज़रूर डाल के खाइएगा, क्योंकि इससे दही भल्ले का जो मज़ा है और भी बढ़ जाता है, और अगर नहीं हो तो ये ऑप्शनल है। मैं हल्की सी मीठी चटनी इसमें और डाल रही हूँ स्वाद बढ़ाने के लिए, थोड़ी सी सेव, खट्टी चटनी, जो हमारे धनिये पुदीने की खट्टी चटनी बनती है इसकी रेसिपी मैंने अपनी चैनल पे डाल रखी है, वो आप वहां से देख सकते हैं। थोड़ा सा अनार। तो दोस्तों मेरे दही भल्ले की चाट बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है, आपके सामने सर्व कर दिया है। आप इसे एंजॉय कीजिए। आपको मेरे दही भल्ले की रेसिपी कैसी लगी? मैंने आपको इंस्टेंट बनानी ये रेसिपी सिखाई है कि इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरे दही भल्ले की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जो न्यू फ्रेंड्स हैं जो मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों।